तो दोस्तों एक दौर ऐसा भी था जब मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नामक रिश्ता हुआ करता था। तो आज दर्द भरे दिल से दो लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम न होती तो माँ कसम पैसा बहुत होता। No, God, please, no! आंटी वेज में क्या क्या है? फ्रूट्स है, दारू है। दारू वेज होती है? होती वेज है, वो पीते नॉन वेज के साथ है। एक लड़का है जिसके बहुत पैसे हैं, बट वो बहुत फुद्दू दिखता है। ठीक है। एंड जो सेकेंड लड़का है उसके पैसे कुछ भी नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखता है। तो समझ गया, आप तो किसको चुनोगे? स्मार्ट। क्यों, पैसे नहीं चाहिए आपको? मैं कमा लूंगी। मैं तो ना स्मार्ट ही हूँ, ना मेरे पास पैसा ही है। ओ मोलार का। तो दोस्तों आज बहुत ही गंभीर बात आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना इसको। अगर आपको कोई भी दुखी दिखे ना, तो उसको कभी ठेस मत पहुंचाओ भाई, उसे ठेके तक पहुंचा दो यार। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा है ना, तो उसके आगे हाथ मत जोड़ो। हाँ भाई, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारी वैल्यू को समझेगा। Stop it. Get some help. Yeah, boy. साला जब बचपन में पैसे का जरूरत नहीं था, ये रिश्तेदार जबरदस्ती हाथ में पैसा पकड़ाए। आज साला पैसे की जरूरत है, कोई पूछने को ही तैयार नहीं है कि ये बेटा पैसा ऐसा चाहिए क्या? अरे देख लो भैया, पापा की परी स्टंटी तो दिखा रही है। बस टूट गई हट भट, हैगा सब चकना चूर, आई दुख छे स्टंट आई कर छे। रिमिक्स आइटम है ये। सभी लड़कियों से मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी बात को गांठ मार लीजिए, किसी और के साथ जाओगे तो धोखा ही खाओगे, मेरे साथ आओगे तो मोमो खाएंगे। तो भाई मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई हाल फिलहाल में कोई शादी कर रहा है और वो मेरे को बुलाना चाहता है, तो भाई मैंने आप शादी वादियों में जाना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। अगर आप मेरे को बुलाना चाहते हो तो देख लो, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, फुल मैनेजमेंट होना चाहिए। और भाई होली आ रही है, इतने पुराने कपड़े भी मत पहनियो कि कोई तुम्हें रंग की जगह रोटी पकड़ा जाए।